हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम असलम है और आ चुका हूँ मैं एक नया वीडियो लेके। और जैसा कि कल मेरा फ़िल्टर ख़राब हो गया था, तो आज मैं नया फ़िल्टर लेने जा रहा हूँ। देखते कौन सा मार्केट में कैसा है मिलता है। हैंग ऑन फिल्टर सोचा हूँ मैंने, लेकिन सोचा हूँ कि स्पॉन्ज भी ले लूँ, क्योंकि अभी हैंग ऑन फिल्टर के लिए ये जो हमारी ये छत है ये हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन सा मार्केट में मिलता है, वो लेके आते हैं। ठीक है, मैं ये फिल्टर सब चेक कर रहा था। देखो, ये अलग अलग तरह के फिल्टर है, छोटे बड़े। जो 1.5 फीट के टैंक के लिए था वो मैं शॉपकीपर से आइडिया भी ले रहा था कौन सा लगेगा, क्योंकि इससे पहले जो फिल्टर था वो हमारा छोटा फिल्टर था ना। तो अभी बड़े फिल्टर के लिए हमने सब ये चेक किया कि कौन सा उसमें 1.5 फीट में जाएगा। तो यहाँ पे ये फिशेज भी हम देख रहे थे, इसमें फिशेज भी एक से एक है यार, कसम से। इसमें ये अपना पोलर पैरेट और ये शिवराम है ना, ये गोल्डन फिश है, ये शिवराम, और ये सिल्वर शार्क, फिर डॉलर है उसके बाजू में, ये पोलर पैरेट है, ये फ्लावर ऑन, ये तो बहुत, ये सिंगल ही रहती है, ये पोलर पैरेट है। इसका मुझे मुंह बहुत अच्छा लगता है, इसका मुंह ऐसा गप्पू टाइप है, देखो इतनी प्यारी है। तो हम लोग ने सोचा कि आप लोगों को ये फिशेज वगैरह, और लोगों के पास बहुत अच्छे पैड भी थे, तो हमने सोचा कि इस वीडियो में आपको दिखाते हैं हम लोग ने जो देखा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट जब टैंक बनाएंगे तो उसमें पोलर पैरेट रखेंगे इंशाल्लाह। ये पैरेट फिशेज है, येलो रेड सिक्लिड्स हैं, ऑस्कर है, ये ब्लैक वाली ऑस्कर है, ये प्यारी सी किटन छोटी सी, ये तो बहुत अच्छी है। तो अभी वही सब हम लोग देख रहे थे और डिसाइड कर रहे थे क्या है ना, वहाँ पे जो ये बर्ड्स थे, पेट्स थे, उनका वीडियो, मतलब हमको दिखाना था कि कितने प्यारे प्यारे शॉप में, मतलब कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो हमको पालना भी था, लेना भी है। लेंगे, बट बिल्ली का कैसे है ना, कैट का कि अपना छोटा बच्चा है, फिर वो, बट कैट लोग छोटे बच्चों के साथ खेलती है, बट डर लगता है यार। और ये पैरेट, ये पैरेट बहुत मस्ती कर रहा था, बहुत ज्यादा, ये बहुत एक्टिव था पैरेट। अभी देखना ये कैसे करेगा, बहुत क्यूट है, लेकिन ये बहुत सही है, बहुत अच्छा है। ये देखो और ये नियॉन फिशेस है, ये बहुत अच्छी है, छोटी सी, इसमें अलग सी ब्लू कलर की एक लाइन होती है लाइट, और ये सब टेट्रास विडो है, कलर विडो। और ये जो प्लांट दिख रहे हैं ना आपको, ये प्लांट ही हम लोगों ने लिया है सर। हाँ, इसी प्लांट में से हमने लिया है। और नाम नहीं मांगा, नाम फैमिली आपको मालूम करना पड़ेगा, मैं पूछना ही भूल गए प्लांट्स के लिए। और ये खूबसूरत बर्ड्स, यार बर्ड्स तो बहुत अच्छे थे, और इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द बर्ड्स भी लेने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं क्या बोलती हूँ, ये जो केज है ना, ये तो अपन खुद बनाएंगे घर पे, है ना, इंशाल्लाह डीआईवाई, तो उसका डीआईवाई करेंगे, तो वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो हम मार्केट से आ चुके हैं, और हमने हमारे एक्वेरियम के लिए फिल्टर लिया, स्पॉन्ज फिल्टर ही लिया है, पर उससे बड़ा है, पहले वाले से बड़ा है, पहला छोटा था, अब ये बड़ा है, क्योंकि हमने शॉप वाले से पूछा कि हमारा फ़िल्टर जो है वो बराबर साफ़ नहीं कर पा रहा था एक बार, हम तो उन्होंने कहा कि आपका जो फ़िल्टर का साइज़ था वो बहुत छोटा था, उससे बड़ा लीजिए तो आपका एक्वेरियम बराबर वो क्लीन रखेगा। और साथ ही साथ हमने हमारे एक्वेरियम के लिए कुछ प्लांट्स लिए हैं, अब हम सोच रहे हैं कि प्लांटेड एक्वेरियम डेकोरेट करने, तो हमने ये कुछ प्लांट्स लिए, मुझे इसके नाम नहीं पता, और कुछ वुड भी है, तो हमने ये ले लिया। तो ये जो सेटअप है अभी, ये सेटअप हमारा चेंज होगा, और क्योंकि शॉप वाले ने हमें ये बोला कि जो आपका एक्वेरियम है इसको आपको ना थोड़ा सा, क्या गर्म पानी से बोला है ना उसने, हाँ वो खराब
हाँ, तो उसने उसने बोला है कि आप इसको खड़ा नमक डाल के गर्म पानी से साफ करो, ये जो आपके वाइट वाइट आप लोग देख सकेंगे, वाइट वाइट जो दिख रहा है अंदर, शायद कैमरे में कैप्चर ना, हाँ शायद कैमरे में आपको इतना बराबर दिख नहीं रहा होगा, ये जो वाइट वाइट है ना, इसके लिए उसने बोला आपको पूरा फिश टैंक क्लीन करना पड़ेगा, तो मतलब सारा सामान निकाल कर अंदर से फिश वगैरह निकाल के पूरा उसको गर्म पानी से धोना पड़ेगा। तो आप ये जो सेटअप देख रहे हैं, ये सेटअप अभी आपको नहीं देखने मिलेगा, बिकॉज हम सोच रहे हैं जब पूरा निकालना ही है तो सेटअप चेंज किया जाए, तो अभी ये इसको हम प्लांटेड एक्वेरियम बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको क्लीनिंग करना। ये हमारे फिश टैंक सेटअप का वीडियो है, हमने जो फिश टैंक सेटअप किया उसका, बट फिश टैंक के सेटअप के बाद का वीडियो हम उसको आप बाद में अपलोड करेंगे। और तो अब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो। आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज दोस्तों।